कि गुजरात में जो सबसे पहले भक्त हुए थे वो थे नरसिंह मेहता। श्री कृष्ण के एक बहुत बड़े भक्त हुए नरसिंह मेहता, वो गुजरात के सबसे पहले भक्त हुए, इसलिए उनको भी बहुत सताया गया था। लेकिन उन्होंने जो भक्ति का बीज रोपण किया है और उसके बाद जो फसल आई है, तो अब तो स्थिति ऐसी है कि आज गुजरात भक्ति का मुकुट है। गुजरात में इतनी भक्ति है पर उस वक्त नहीं थी, तो वो सब बता रही है। अंत में उन्होंने कहा कि गुजरात के बाद वृंदावन आकर मैंने अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, पर मेरे जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य ये अभी तक वृद्ध हैं। तो सनकादि ऋषि कहे कि आपने उनके लिए कुछ किया नहीं। बोले मैंने किया, मैंने कितने वेद उपनिषद शास्त्र के श्लोक कहे, पर मैं जब तक कहता तब तक तो वो चेतन अवस्था में रहते, मैं जैसे ही चुप होता वो वापस बेहोश हो जाते, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत कथा सप्तापरायण करें। सप्तापरायण यानी सात दिन की कथा, महीना परायण भी होता है, एक महीने की कथा, यानी कथा इतनी है एक महीने भी चल सकती है, पर समय अनुसार देखकर सप्तापरायण ज्यादा चलता है। तो उन्होंने कहा कि आप सप्तापरायण करिए। अब नारद जी कहे सुझाव दिया है, कर भी आप ही दीजिए। तब सनकादि ऋषि श्रीमद् भागवत कथा सप्तापरायण करते हैं। अब यहां पर पहले दिन की कथा होती है, दूसरे दिन की कथा, करते करते सातवें दिन वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर आते हैं। ज्ञान और वैराग्य को उनकी यौवन अवस्था देते हैं। अब भगवान ने भक्ति से कहा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए मांगो। भक्ति कहे वरदान से कहीं ज्यादा मुझे एक वचन चाहिए। बोले कैसा वचन? देखिए उससे पहले मैं एक चीज समझाऊं, कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के दो स्वाभाविक रास्ते हैं, कौन कौन से बताइए? भक्ति और बताओ, एक रास्ता है भक्ति, दूसरा है वो तो भक्ति के अंदर ही आता है, जोर से वो भी भक्त, वो सब चैप्टर है, सब्जेक्ट भक्ति, आप सब चैप्टर के नाम बता रहे हैं, चैप्टर और चैप्टर ज्ञान, दूसरा है तो भक्ति और ज्ञान, ये दो रास्ते हैं भगवान को प्राप्त करने के। अब ज्यादा सरल कौन सा है ये हमें लगता है नहीं। भक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया है क्योंकि सबको लगता है भक्ति बहुत सरल है, भजन कीर्तन तो करने हैं, भजन कीर्तन को भक्ति नहीं कहते। भक्ति का सबसे पहला कदम है समर्पण, जो सबसे मुश्किल है। ज्ञान में फिर भी एक अहंकार होता है कि हम ज्ञानी हैं, भक्ति में कोई अहंकार है ही नहीं, क्योंकि भक्ति में पहले मैं खत्म करना पड़ता है, मैं हूं ही नहीं, जो है सिर्फ उसको कहते समर्पण। और ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। असल जिंदगी में भगवान सबके लास्ट ऑप्शन होते हैं, पहले व्यक्ति अपनी जगह देख लेता है, ये कर लूं वो कर लूं ऐसा कर लूं वैसा, लास्ट में जब उसको लगता है कि अब तो कुछ हो नहीं रहा तब भगवान याद आते हैं। भक्ति में व्यक्ति को सबसे पहले भगवान याद आते हैं क्योंकि वो समर्पित है। तो इसीलिए हमें लगता है भक्ति आसान है पर भक्ति बहुत कठिन है।